दोस्तों जय माँ भवानी की, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो माँ तुलजा भवानी का है। मेरे ख्याल से देश में ऐसा पहला मंदिर होगा जिसमें जो मूर्ति होती है उसको हटाया जाता है और दूसरे स्थान पर आराम के लिए रखा जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ऐसा होता है। माँ तुलजा भवानी वही माता जो सबके दुख हरती है, आशीर्वाद देती है, और ऐसा ही आशीर्वाद दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी को तलवार के रूप में। इस वीडियो में मैं आपकी यात्रा करा रहा हूँ माँ तुलजा भवानी की, देवी की। आइए मेरे साथ दर्शन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं इस मंदिर के बारे में। तुलजापुर सोलापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। शक्ति पीठों से दूसरा स्थान तुलजापुर की तुलजा भवानी का है। विशाल प्रवेश द्वार से हम अंदर आते हैं। ज्यादातर देवियों के मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है और माँ के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर एक तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान पर नहाने के बाद हम दर्शन करने जाते हैं। प्रथम दर्शन हमें गणेश जी के होते हैं। श्री गणेश जी द्वार पर स्थापित है और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इनके दर्शन करने के बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तुलजापुर की भवानी देवी महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है। कुल स्वामिनी का मतलब होता है महाराष्ट्र के लोगों की सबसे प्रमुख देवता। तुलजापुर के इस तुलजा भवानी मंदिर की एक खास बात यह है कि मंदिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख बनाए दिखाई देता है। यहाँ पर दर्शन के दो प्रकार होते हैं। एक मुख दर्शन जहाँ आप 30 फीट की दूरी से देवी माता के दर्शन करते हैं, और फिर एक धर्म दर्शन होता है जहां आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं।
महाराष्ट्र के अधिकतर लोगों की माता तुलजा भवानी परिवार की मुख्य देवता है और ऐसी देवता को महाराष्ट्र में कुल देवता कहते हैं। इस राज्य के सबसे महान और शूरवीर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी माता तुलजा भवानी के बड़े भक्त थे और ये देवी उनके भोसले वंश की कुल देवता भी थी और उन्होंने ही आशीर्वाद देकर एक अद्भुत तलवार दी थी जिसकी मदद से शिवाजी महाराज लड़ाई में जीत हासिल कर हिंदवी स्वराज को स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि माता की मूर्ति की स्थापना श्री यंत्र पर आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर के गुंबद पर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ये मंदिर भारतीय उप महाद्वीप में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक है और ये वो स्थान है जहाँ सती भगवान शिव की पहली पत्नी के अंगों में से एक उनकी दाहिनी भुजा गिरी थी, इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलजा भवानी की मूर्ति शालग्राम पत्थर से निर्मित है और स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं जिनमें से एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। माता की मूर्ति के दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष और पाशा आदि शस्त्र सुसज्जित है। अष्ट भुजा वाली माता तुलजा भवानी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी की इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि माता की मूर्ति केवल एक ही जगह पर स्थापित नहीं की गई है। इसका मतलब देवी की इस मूर्ति को दूसरी जगह पर भी रखा जा सकता है। देवी की मूर्ति किसी भी दिशा में रखी जा सकती है, इसलिए इस मूर्ति को चल मूर्ति भी कहा जाता है। राजाने कृष्ण नीतीचा अभ्यास हाच केला की ज्यावेळी अफजल खान स्वराज्याच्या दिशेने येत होता ना, तो नुसता येत नव्हता, तो म्हणायचा की हिंदू की देवता इतनी तेज है तो हिंदू क्यों भेड़ बकरी जैसा जीते है। हा पंढरपूरचा विठोबा शिवाजी राजाला ताकद देतो काय,
ही तुळजापूरची तुळजा भवानी शिवाजी राजाला ताकद देते काय म्हणून अफजल खानाला खरं तर अगदी नॅशनल हायवे होता स्वराज्यात यायला, पण तो आला नाही, तो तुळजापूर मार्गे आलाय प्रतापगडाच्या पायथ्याशी. खरं तर सरळ येऊ शकत होता विजापूरहून डायरेक्ट प्रतापगडापर्यंत, सरळ रस्ता आहे की नाही, आता तर हायवे म्हणजे आता नाही यायचा तो, आहे की नाही, सरळ रस्ता होता, पण नाही, त्याला असं वाटलं की ही भवानी तलवार राजाकडे, ही भवानी राजाला ताकद देते तुळजापूरची, म्हणून म्हणाली तिच्या भक्तीची कवड्याची माळ राजा गळ्यामध्ये घालतो ना, म्हणून म्हणाली ही भवानीच फोडून टाकूया. म्हणून अफजल खान तुळजापूरला गेला. तुळजापूरच्या त्या तुळजा भवानीची मूर्ती आपल्याच लोक, आपली हिंदू माणसंच होती त्याच्या सैन्यामध्ये, का आमची मन मनगट मेंदू मरूनच गेला होता, आमची बाजूच नव्हती आम्हाला, आमचं सिंहासन नव्हतं आम्हाला, आमची छत्र चामर नव्हती आम्हाला, आम्ही दुसऱ्यांच्या चाकऱ्या करण्यातच आयुष्य घालवलं आणि आजही फार काही वेगळं नाही करत आहे. विठ्ठल विठ्ठल आणि तो अफजल खान ज्यावेळी आपल्या सरदारांना सांगतो की आणा ती देवीची गंडकी शिळेची मूर्ती उपटून काढा, आणि ऐका श्रोते हो, आपल्याच माणसांनी त्याच्याकडे चाकरी करणाऱ्या लोकांनी त्या तुळजा भवानीच्या आदिशक्तीची गंडकी शिळेची मूर्ती उपटून हत्तीवर बसलेला तो क्रूर कर्मा अफजल खान नामाचा पठाण त्याच्याकडे ती मूर्ती दिलीये. लळ 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 करणारी तेजस्वी तुळजा भवानीची मूर्ती बघितलं आणि तो म्हणाला की ही देवता शिवाजी राजाला ताकद देते, एका क्षणाचाही विलंब न करता खाडकन मूर्ती आपटली, ठिकऱ्या झाल्या मूर्तीच्या, जाती घेऊन माणसं बोलावली, भरडली मूर्ती, रांगोळी केली आणि तुळजापूरच्या प्रांगणामध्ये पसरवून टाकली. आणि अफजल खान म्हणत होता, खदखदा खदखदा हास्य करत म्हणत होता, मैंने परमात्मा की मिट्टी बनाई है, मैंने परमात्मा की मिट्टी बनाई है, है कोई मई का लाल जो मिट्टी से परमात्मा को फिर के फिर से पैदा कर सके. राजांना राग नसेल का आला, माझी तुळजा भवानी फोडली, राग नसेल का आला, पण नाही, कृष्ण नीती अभ्यासली होती, म्हणाले अपने गली में आओ. आणि मग जेव्हा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी, खरं तर पंढरपूरला सुद्धा तो गेला होता, पांडुरंगाच्या मूर्तीला सुद्धा तो हात लावणार होता, पण आमच्या काही भक्तांनी मूर्ती लपवून ठेवली म्हणून ती सुरक्षित राहिली पांडुरंगाची. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आणलं आणि मग विश्वासघाताने त्याचा कोथळा बाहेर काढला. इस मंदिर से जुड़ी एक जन श्रुति ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जिसका नाम है चिंतामणि. इस पत्थर के विषय में कहा जाता है कि ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या ना में देता है. यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ये आपके दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर नहीं है तो ये बाई दिशा में बढ़ जाता है. माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते थे.
माता की इस मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। इस मंदिर के मुख्य भवन के पूर्व में शयन कक्ष है, जिसमें सोने के लिए चांदी से बनाया हुआ पलंग है। साल में 3 बार माता इस शयन कक्ष में विश्राम करती है। इस तरह की परंपरा केवल इसी मंदिर में है। 3 बार देवी की मूर्ति को मंदिर के बाहर निकाला जाता है, क्योंकि साल के 3 दिन काफी विशेष माने जाते हैं और इन अवसर पर देवी को परिक्रमा करने के लिए मंदिर के बाहर निकाला जाता है और मंदिर के चारों तरफ माता की मूर्ति को घुमाया जाता है। तुलजा भवानी माता की मूर्ति को 108 साड़ियों से लपेटकर सफेद साड़ी में मूर्ति पालकी में रखकर एक प्रदक्षिणा लगाई जाती है पूरे मंदिर की, और वहां पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे पालकी रख शक्कर और चावल का नैवेद्य दिखाकर आरती की जाती है और माता श्रम निद्रा में चली जाती है। निंद्रा काल तब होता है जब देवी लौकिक निंद्रा में रहती है। ये समय होता है एकादशी से पूर्णिमा तक, शरद नवरात्रि के बाद निंद्रा में मां चली जाती है। तुलजा भवानी का निंद्रा काल पौष शुक्ल पक्ष के पहले दिन से लेकर पौष शुक्ल पक्ष के 8वें दिन तक महाराष्ट्र में पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। देवी तुलजा भवानी अपने हर भक्त की इच्छा पूरी करती है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से माता को याद करता है और प्रार्थना करता है तो देवी उसकी हर इच्छा पूरी करती है। देवी ने हर युग में अपने भक्तों पर आए संकट को दूर किया है और उनकी मदद की है। तुलजा भवानी, इनके दर्शन मात्र से आपकी सारी समस्या का हल हो जाता है। श्री तुलजा भवानी मंदिर संस्थान ने भक्त निवास 108 का निर्माण किया है। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था के साथ रूम मिलते हैं।